गॉड स्ट्रीम फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, कैंडल वैक्स रीडिंग से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ, तब तक आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम लेते रहिए, फिर देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। प्यारे केशव जी, प्लीज़ व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए, बताइए कि व्यूअर्स की विश के बारे में बताइए, व्यूअर्स क्या चाहते हैं और क्या आप उनको दे रहे हैं, क्या आपका प्लान है, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ 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 केशव जी मुझे गाइड कीजिए। स्टार्टिंग से ही मैंने बोला नहीं था, लेकिन बिगनिंग से ही जैसे ही मैंने ये पूछना शुरू किया था कि प्यारे केशव जी मुझे बताइए व्यूअर्स के बारे में, तो बिगनिंग से ही स्पार्किंग हो रही थी, यानी डिवाइन इंटरवेंशन। यूनिवर्स यानी ईश्वर ने ये कह दिया था कि हाँ, मैं सब बता रहा हूँ और मैं सब दे रहा हूँ। क्योंकि मेन तो स्पार्किंग का मीनिंग ये था कि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम चल रहा है। एक तरह से मैं ये कहूँ कि डिवाइन टाइम चल रहा है। आपने अब तक जो कुछ स्ट्रगल किया था उसका दी एंड कराया जा रहा है डिवाइन के थ्रू। अब आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपके करने का कुछ नहीं रहा, आपके बस का कुछ नहीं रहा। अब जो कुछ हो रहा है ईश्वर कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ भी और होंगे जिन्होंने सरेंडर कर दिया कि मेरे बस में अब कुछ नहीं रहा, अब मुझसे हो नहीं रहा। तो यही सब सही होता है, यही तो कराते हैं यूनिवर्स, यही तो कराते हैं। क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमारे बस में कुछ है थोड़ी नहीं, हम तो फालतू में करते रहते हैं। हम जब ये सोच के वर्क करने लगते हैं कि करने वाला तो ईश्वर है, हम तो बस दृष्टा हैं, हम तो बस पपेट हैं, जब ये सोच के वर्क करते हैं तो वो वर्क हो जाता है। लेकिन हम जब हम ये सोच के करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, तो वो नहीं होता है। यूनियन का साइन मुझे मिल गया है, कोई है जिनका मुझे हारमोनियस यूनियन फील हो रहा है। और डिवाइन इंटरवेंशन जो कि मैंने बताया कि बिगनिंग से ही है, इस समय आप ज़बरदस्त डिवाइन की कस्टडी में, एक और यूनियन हुआ है। ट्विन फ्लेम अगर आप हो फिर तो कस्टडी में होते ही हैं, ट्विन फ्लेम हमेशा डिवाइन की कस्टडी में रहते ही हैं। लेकिन इस समय अगर आपने जो सरेंडर किया है, नहीं किया है तो यूनिवर्स ने करवा लिया होगा, और नहीं करवाया होगा तो बहुत जल्दी आपसे करवा लिया जाएगा। आप जो चाह रहे होंगे वो सब हो नहीं रहा होगा, फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई रास्ता भी तो नहीं है, किस तरीके से मैं करूँ। तो तब आप कहोगे कि हे ईश्वर, नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सब डिवाइन इंटरवेंशन से था। तो डिवाइन इंटरवेंशन आपसे सरेंडर करवा रहा है। अब सरेंडर का मीनिंग ये नहीं कि अवेकनिंग के टाइम पे भी सरेंडर कराया जाता है। जब अवेकनिंग का टाइम आता है तो सरेंडर करना पड़ता है डीएफ को, तब वो अवेकन होती है। लेकिन जर्नी में भी चलते चलते बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम संभालने की कोशिश करते हैं, हम जर्नी पर चलने की कोशिश करते हैं। जबकि सच तो ये कि जर्नी पर हम चल नहीं सकते। जर्नी पर ईश्वर से कह दें कि हे ईश्वर, हमारे बस की बात नहीं है चलना, इतनी इतनी इस जर्नी की धूप इतनी तेज़ है और इतने कंकड़ इतने कांटे हैं और हमारे पैरों में कुछ ऐसा नहीं है जिसे पहन के हम चल सकें। तो जब हम बिन नंगे पाँव इस धरती पर चलेंगे तो हमारे पाँव लहू लुहान तो होंगे, छाले पड़ेंगे, तो हमारे बस की बात तो है नहीं, तुम ही संभालोगे, तुम ही चला पाओगे हमें इस धरती पर। तो ये भी कहलवा लिया जाता है। कहलवा लिया का मीनिंग है कि मैं वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन वर्ड सेम ऐसा ही नहीं बोलते हैं सब, बस सरेंडर है। एनर्जी पकड़िए, सरेंडर जर्नी में बार बार कराया जाता है। जो हम करने की कोशिश करते हैं वो हमें कराया जाता है। और मुझे यहाँ एक साइन ये मिला है कि आपका माइंड बॉडी सोल और आपके काउंटर पार्ट का माइंड बॉडी सोल यूनियन में आ रहा है, और यूनियन में आके आप यूनाइट हो रहे हो और एनर्जी वाइज एक दूसरे से यूनाइट हो रहे हैं। क्योंकि पहले 3 ड्रॉप्स का ग्रुप बना, फिर 3 ड्रॉप्स का ग्रुप बना, और वो 3 3 ड्रॉप्स का ग्रुप मूव करके एक दूसरे से कनेक्ट हुआ। यानी आपका माइंड बॉडी सोल यूनियन में आया, मतलब बैलेंस हुआ, आपने तीनों पे ध्यान दिया। तो आपने जब तीनों पे ध्यान दिया तो आपके पर्सन ने आपकी एनर्जी पिक की, उन्होंने तीनों पे ध्यान दिया, और जब उन्होंने भी तीनों पे ध्यान दिया तो आप दोनों के माइंड बॉडी सोल बैलेंस हुए, और बैलेंस होकर एक दूसरे से यूनाइट हुए। बार बार यूनियन के साइन आ रहे हैं, यूनियन हो रहे हैं, आप में से कई व्यूअर्स के यूनियन हो रहे हैं। मुझे एक यहाँ पे एक साइन मिल रहा है, जैसे कॉमा होता है ना, कॉमा, तो वो कॉमा का साइन का मीनिंग मुझे यही फील हो रहा है कि आपकी विश कोई एक पूरी नहीं होगी। आपकी एक विश पूरी होगी, फिर दूसरी विश पूरी होगी, फिर उसके बाद एक और विश पूरी होगी। आपने अगर लिस्ट बना रखी है ना अपने विश की कि हे ईश्वर, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, ये सब कुछ मुझे चाहिए, तो कॉमा कर करके आपने लगा रखी है ये विश, ये विश, ये विश, तो ईश्वर ने वो विश भी पूरी कर रहे हैं। क्योंकि वो जो कॉमा वाला साइन था, वो जैसे मैं ये बोल रही थी कि आपने अगर विश में कॉमा लगा रखे हैं, एक के बाद एक लिस्ट बना रखी है, तो वही कॉमा वाला साइन उन्हीं
3-3 ड्रॉप से कनेक्ट हो गया, जो मैंने अभी बताया था माइंड बॉडी सोल के लिए, कि माइंड और माइंड बॉडी सोल आपकी कनेक्ट हुई, आपके पर्सन की कनेक्ट हुई है, फिर वो कनेक्ट हुए हैं आपस में। और जब मैं कॉमा की बात करें तो वो जो 6 ड्रॉप हुई वो जाके उस कॉमा से कनेक्ट हो गई। तो आपकी विश जैसी आपने सोच रखी है वो आपकी पूरी ज़रूर की जा रही है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर करूँगी जब तक विश पूरी नहीं हो रही है तब तक आप विश का बोझ अपने सिर पे ना लें, अपने कंधों पे ना लें, आप ईश्वर के चरणों में अपनी विश रख दें। और जो कि मुझे लग रहा है कि बिगनिंग से ही मुझे आपका सरेंडर दिख रहा है कि आपसे सरेंडर कराया गया है, नहीं तो बहुत जल्दी कराया जाएगा। अपने विश का बोझ ईश्वर के चरणों में रखें कि ईश्वर ये रही विश, ज़िंदगी के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बॉडी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अब सोल तो आप ही हो, सोल को तो आप संभालते ही हो, बॉडी भी आप ही संभालते हो, तो ये ज़रूरतें हैं आप जानो, कब तक पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी ये आप जानो, लेकिन हमसे इनका बोझ अब ढोया नहीं जा रहा, आप संभालो इनको, जब तक नहीं पूरी होती हैं तब तक क्या हमें, आप ही संभालो, लेकिन हम इनका बोझ नहीं ढो सकते, हमने आ रखी हैं आपके चरणों में, आप जानो कैसे पूरी करोगे, हम अब और सोच नहीं पाएंगे इनके बारे में। इस एनर्जी में आप आए हो, नहीं आए हो तो बहुत जल्दी आने वाले हो। मुझे एक साइन ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पेंटिंग बनाई जाती है ना, तो पेंटर्स क्या करते हैं, अगर दूर आसमान में उड़ती हुई बर्ड्स बनाते हैं ना, तो केवल लाइन कर देते हैं, ब्लैक कलर की लाइंस कर देते हैं, कि ऐसा उससे ये फील हो जाता है कि हाँ ये बर्ड फ्लाई कर रही हैं, बर्ड को रिप्रेजेंट करते हुए जो पेंटिंग आपने अगर देखी हो, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि बर्ड्स के जो फैदर, बर्ड्स का जो शेप हुआ, जो दूर आसमान में उड़ती हुई आप देख सकते हो कि फील कर सकते हो बर्ड्स कैसी दिखती हैं, केवल एक लाइन दिखती है कि एक फैदर्स की लाइन, फैदर्स भी नहीं दिखते हैं कुछ ऐसा ही। अगर ब्लैक कलर का देखा जाए, ब्लैक का मीनिंग है कि आप पेंटिंग पे ध्यान दीजिए कि सनराइज़ की जो पेंटिंग होती है, तो पेंटर ऐसा करते हैं कि एक लाइन एक एक लेफ्ट टू राइट ऐसा करके एक लाइन बना देते हैं, मुझे ऐसा साइन दिख रहा है। तो यहाँ बर्ड्स की जो इस तरह से मुझे बर्ड्स की एनर्जी आई है, तो इसका मतलब ये कि कोई फ्रीडम वाली एनर्जी, आप फ्री हो रहे हो, यही फ्रीडम जो कि मैं अभी यहाँ से बोल रही थी, यहाँ से यूनिवर्स ने बोला था कि आपने अपनी अपनी चाहतों को, देखिए फिर डिवाइन इंटरवेंशन, कितना ज़बरदस्त इंटरवेंशन हुआ है, कि आपने अपनी चाहतों को ईश्वर के चरणों में रखा है कि आप जानो कैसे पूरी होंगी, तो इसका मीनिंग है आप फ्री हुए हो, आपके कंधों से बोझ उतरा है तो आप फ्री हुए हो, आप खुल के आप आसमान में उड़ पाओगे। मुझे यहाँ पे कई व्यूअर्स का माइंड बॉडी सोल का यूनियन दिख रहा है, माइंड बॉडी सोल हो, कई व्यूअर्स के ऐसे थे कि कभी आपका लॉजिकल माइंड काम करता था, कभी आप सोल को सुनते थे और बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब एक नहीं एक से ज़्यादा व्यूअर, कई व्यूअर ऐसे हैं जिनका माइंड बॉडी सोल बैलेंस में आ रहा है। अब आप अपने माइंड की भी सुन रहे हो कि कहाँ लॉजिकल होना है, ये भी सुन रहे हो कि अपने अपने इंट्यूशन को भी सुन रहे हो और बॉडी का भी ध्यान रख रहे हो कि काम काम करते करते अगर बॉडी नहीं होगी तो फिर डिवोशन की राह पे कैसे चलेंगे। माना कि सब कुछ सोल होती है, सोल है तब तक ये बॉडी है, लेकिन सोल को भी रहने के लिए तो कोई घर चाहिए, तो वो घर तो ये बॉडी है ना, तो सोल के लिए तो इस बॉडी की सेफ्टी करनी है। तो डिवाइन जर्नी में यही होता है, डिवाइन जर्नी में सोल का बॉडी की नीड समझ आ जाती है कि बॉडी की नीड का, बॉडी का मीनिंग ये नहीं कि हम हैं कुछ, हम कुछ कर रहे हैं, बॉडी का मीनिंग है कि इसकी ज़रूरत, जब तक सोल इसमें है तब तक सोल को ज़रूरत है, सोल के लिए ये बॉडी ज़रूरी है और सोल के बाद इस बॉडी का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है, तो वही मुझे होता हुआ यहाँ दिख रहा है। और मुझे यहाँ एक कैमल दिख रहा है, मुझे कैमल का भी एनर्जी पिक हो रही है, और वो अगर मैं यहाँ बर्ड्स की बात करूँ तो बर्ड मुझे दाना चुगती हुई पिक हो रही हैं, या तो आप दाना चुगा रहे हो बर्ड्स को, नहीं चुगा रहे हो तो फिर चुगाइए, बर्ड्स मांग रही हैं, बर्ड्स कह रही हैं मुझे कुछ खाने को दो ना, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमें कुछ खाने को दो। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है बर्ड्स आपसे कह रही हैं, हो सकता है बर्ड्स आपके आसपास आती हों, आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ बर्ड्स ज़्यादा हों और बर्ड्स की वॉइस आपको वॉइस बहुत अच्छी लगती हो, तो बर्ड्स आपसे कुछ कह रही हैं, दाना चुगने आ रही हैं आपके यहाँ आपके घर में। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रेडीमेड नेस्ट आते हैं, आप नेस्ट लेके रख सकते हैं कहीं पे बर्ड्स के लिए। और कैमल अगर ऐसी कोई एनर्जी है कि आप ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ कैमल है या आपको कैमल की पिक्चर्स आ रही हैं, तो ये आपकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी हाइट मतलब सोल की हाइट, सोल की ग्रोथ, आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो अपनी जर्नी में, आप थोड़ा बड़ा सोच रहे हो और दुनिया जिन चीज़ों को नहीं देख पाती है उन चीज़ों को आप देख पा रहे हो, क्योंकि और दुनिया की भीड़ में खड़े हो गए आप देख पा रहे हो, उसी भीड़ में आप खड़े हो और उन कुछ मिस्टीरियस चीज़ों को लोग नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आप देख पा रहे हो। और इस हाइट की वजह से, आपकी एनर्जी की हाइट की वजह से, आपकी एनर्जी लेवल अप हुई है, हो रही है, इसकी वजह से आप ईश्वर किसी, अगर आप वीराने में भी खड़े हों तो ईश्वर आपके लिए सुविधाएं जुटा रहे हैं। ये आपके साथ हो रहा है, नहीं हो रहा आपको, आप सोच रहे हो कि ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर बहुत जल्दी आप फील करोगे ऐसा हो रहा है, कि आप जो सोच रहे होगे कि वो चीज़ें जल्दी आपको मिल रही होंगी, यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। और मुझे
यहाँ फ्लेम जो ऊपर जा रही है, फ्लेम जो ऊपर जा रही है, फ्लेम की हाइट देखिए कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, और मुझे अभी इसमें टू मतलब बारीक सी लाइन दिखी थी, बहुत बारीक ऊपर जाके टॉप पे जाके टू लाइन्स दिखी थी। तो ये टू लाइन का मीनिंग है आप और आपके पर्सन की सोल बिल्कुल एक लेवल पे मुझे आती हुई दिख रही है, एक जैसी एनर्जी आपके और आपके पर्सन की मुझे होती हुई दिख रही है। आपने वर्क किया है, आपने इनर वर्क किया है, आप डिवोशन के राह पे चले तो आपके पर्सन आपकी एनर्जी पिक करेंगे, तो इसकी वजह से आप दोनों सेम एनर्जी में आए हो। आप मुझे फील हो रहा है कि आप एक ही सोल हो, ट्विन फ्लेम हो आप, और बिल्कुल जैसे ये फ्लेम ये कैंडल जल रही है ना, एक तरीके की तपस्या आप कर रहे हो। आप दोनों की कहानियां भले ही अलग अलग हों लेकिन दोनों तपस्या कर रहे हो, क्योंकि सिरों पे मुझे दो चीज़ें दिख जाती थी कि मुझे फिर दिख रही है, मुझे सिर जो इसका टॉप है वहाँ पे इसकी जो लॉ है, जिसको मैं इस फ्लेम की जो ऊपर लॉ जा रही है वो दो होकर जा रही है। देखिए ये देखिए फिर देखिए मुझे दो दिख रही है, इसका मतलब आप दोनों एक तरह से, अगर मैं ये कहूँ कि दोनों को मिलन की तड़प एक समान है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका पर्सन, देखिए मूवमेंट भी कितना, जब मिलन की तड़प का वर्ड मेरी जुबान से निकला ना, तब फ्लेम फ्लेक्सिबल कितनी हुई। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके फिर से आप रिवर्स करके देख लेना, जब मिलन की तड़प वर्ड आया तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हुई फ्लेम में, यानी वो तड़प थी वो सच में, और वो तड़प आप दोनों की सेम है, दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो। आप ये मत सोचना कि आपका पर्सन कुछ सोच ही नहीं, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं है। जो तड़प आपके दिल में है वो आपके पर्सन की दिल में भी है, तो हो सके तो आप ऐसा कीजिए कि आप डिवाइन के चरणों में बैठिए और डिवाइन से कहिए कि हे ईश्वर हम दोनों को इस तड़प से निकालिए, क्योंकि तड़पने से कुछ होगा नहीं। यूनियन तभी होगा जब सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएंगे, आप दोनों सेम एनर्जी में आ जाओगे, डिवाइन टाइम आएगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है जो कि बिगनिंग से ही दिखा दिया गया है इस कैंडल से, तो डिवाइन इंटरवेंशन से आपका यूनियन तो हो जाएगा, क्योंकि आप सेम एनर्जी में हो, सेम एनर्जी में और आगे बढ़ते बढ़ते डिवोशन की राह पे आगे बढ़ते बढ़ते सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर होते होते यूनियन तो हो जाएगा। लेकिन अपने लिए ना सही तो अपने पर्सन के लिए आप ऐसा कीजिए कि खुद को डिवाइन के चरणों में बैठाइए और पीस मांगिए, डिवाइन से पीस मांगिए कि हे ईश्वर हमें यूनियन आप जब कराओगे तब करा देना, लेकिन तब तक के लिए हमें शांति तो दीजिए, तब तक के लिए कि आप हमें शांति दीजिए, आप मुझे और मेरे पर्सन को शांति दीजिए, ताकि हम चल तो सकें इस जर्नी पे। इस तरह अगर मैं तड़पती रहूँगी या मैं तड़पता रहूँगा तो मेरा पर्सन भी, उसकी भी दशा तो यही होगी, क्योंकि मिररिंग होती है, ट्विन फ्लेम एक ही सोल होते हैं तो मिररिंग होती है, तो उसकी भी तो यही दशा होने वाली है। इसलिए प्लीज़ ऐसी कृपा कीजिए कि हम दोनों के इस एनर्जी से निकालिए, तड़प से निकालिए। अगर तड़प रहे तो तुम्हें पाने की तड़प रहे, ईश्वर से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर ये जो तड़प है इसे कन्वर्ट कर दीजिए खुद को पाने की तड़प में, हम आपको पाने के लिए तड़पें, एक दूसरे को पाने के लिए नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आप मिल जाओगे तो आप तो इतने कृपालु हो कि आप तो हमें हमारे दोनों रूपों को एक कर ही दोगे। मेरा यानी वो पर्सन मुझसे अलग नहीं है और मैं उससे अलग नहीं हूँ, वो मेरा रूप है मैं उसका रूप हूँ, हम दोनों एक ही सोल के दो रूप हैं, तो इन दो रूप को आप अलग तो रखोगे नहीं, आप तो मिला ही दोगे, लेकिन ऐसी कृपा कीजिए कि ये तड़प आपको पाने की हो जाए, हम दोनों के दिल में ये तड़प आपको पाने की हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, ये प्रे कीजिए। और जब मैं ये प्रे कर रही हूँ उसी टाइम पर मुझे ओम दिख रहा है, ओम बना हुआ, और ये ओम जो है ये एक प्रॉपर वे का फॉर्मेशन नहीं है, इसका फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो लेकिन उसके लिए आपके प्लान सही से सेट नहीं किए हैं आपने, या आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो फिर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम ये करना चाहते हैं, पहले तो हमें यही गाइड कीजिए कि क्या हमारे लिए करना सही होगा। और जब आपको ऐसा मिल जाता है, साइन मिल जाता है, यूनिवर्स आपको आपके सोल में आंसर कर देते हैं कि हाँ ये सही है, तो फिर ये कीजिए कि तो अब हम करें कैसे इसको, क्योंकि ओम न्यू बिगनिंग, मुझे इंट्यूशन रहता है कि न्यू बिगनिंग, क्योंकि आदि शब्द जो है जो सृष्टि की रचना के समय भी हमारे पुराणों में सब में लिखा है कि ओम ही था, और हर समय ओम का उच्चारण ब्रह्मांड में होता रहता है, बस हमारी शक्ति नहीं है उसको सुनने की। तो इस वजह से मुझे यह फील हो रहा है कि कोई न्यू बिगनिंग का आप प्लान कर रहे हो जिसमें आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो यूनिवर्स से कहिए कि हे ईश्वर हमें बताइए कि हम इसको कैसे करें, कैसे इसको कंप्लीट करें। और उसके बाद देखिए जब मैं प्रे की बात कर रही हूँ तो प्रे के बाद मुझे इसके जो ओम के सर्कल हैं मुझे थोड़ा सही होते हुए दिखे हैं, और इसमें देखिए आज पता नहीं डिवाइन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आंट वगैरह आ रही हैं आज, पता नहीं डिवाइन का क्या प्लान है, ये आंट क्यों भेज रहे हैं मुझे नहीं पता, इनका होगा कुछ प्लान, वैसे नहीं आते थे, आज ये घूम रहे हैं और वाटर पे घूम रहे हैं, बॉल पे घूम रहे हैं, तो होगा डिवाइन की मर्जी। हालांकि आंट को शुभ ही माना जाता है, बड़े वाले जो आंट होते हैं उनको शुभ माना जाता है, तो कुछ होगा, मुझे फिलहाल इंट्यूशन नहीं आ रहा। प्यारे केशव जी मुझे बताइए आपने आपने क्या प्लान कर रखा है।
कुछ नहीं, मुझे इंट्यूशन ये आया है कि ये आंट ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई भी निगेटिविटी आसपास रहनी नहीं चाहिए, सभी व्यूअर्स को मैसेज बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए, सबको सही मैसेज जाना चाहिए, सबकी विश पूरी होनी चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन पे है। मुझे यही इंट्यूशन आया जब मैंने केशव जी से पूछा कि आखिर इसको क्यों घुमा रहे हैं आप, क्यों घूम रहा है ये, तो यही कहा कि तो ऑब्जर्व कर रहा है। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि डिवाइन जो कहते हैं वही सही होता है, एंजल्स कोई भी रूप ले सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एंजल हैं, लेकिन हाँ डिवाइन किसी भी रूप में, चींटी में भी डिवाइन है और एलिफेंट में भी डिवाइन है, तो डिवाइन किसी भी रूप में कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि आपकी विश को पूरा करने के लिए कैसे कैसे घटनाक्रम में आपको इन्वॉल्व किया जाए, आप किस किस तरीके से जाके उस घटनाक्रम पे पहुंचोगे, कैसे कैसे आपकी विश पूरी होगी। यानी कि यूनिवर्स को प्लान करने में कोई वक्त नहीं लगता है, लेकिन 3D में इम्प्लीमेंटेशन में हमारी एनर्जी के अकॉर्डिंग, हमारी एनर्जी भी तो उसके लिए डिजर्व करनी चाहिए, तो आपको इस एनर्जी में लाने के लिए वो सारी सिचुएशंस, वो सारे प्लान आपको दिए जा रहे हैं, आपके लिए किए जा रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं। और देखिए जब मैंने ये बोला था तो मैंने तो वो उसके बाद वो भाग भी गया है, यानी यूनिवर्स ने मैसेज दे दिया कि हाँ मैं सारी विशेस को मतलब सब पे सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ। और उसके बाद मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि कहीं यूनिवर्स किसी रूप में आके ऐसा कर तो नहीं रहते। कोई बात नहीं, आप जिसको इस इन बातों को जिस रूप में लें, बट मेरा इंट्यूशन यही चल रहा है। मेरा ध्यान बार बार उस आंट की तरफ जा रहा था, क्यों जा रहा था, और ये भी है, ये भी फैक्ट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, ये भी फैक्ट होता है कि जिधर साइन होता है उधर दिमाग जाता है, उधर नज़र जाती है अपने आप। ऐसा लगता है जब जब हमारी नज़र किसी साइन पर टिकती है ना, तो ऐसा फील होता है कि अरे मैं तो इधर देख ही नहीं रहा था, देख ही नहीं रही थी, अचानक से मेरी नज़र क्यों गई। ऐसा लगता है, तब ऐसा होता है कि ऐसा लगा जैसे किसी ने नज़र पकड़ के खींच के उधर रख दी। मुझे कई बार ऐसा फील हुआ है कि मैं कहीं और देख रही थी और कहीं साइन था, मेरी नज़र उस पर गई, फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरी नज़र को ही किसी ने पकड़ के खींच लिया कि यहाँ इधर देखो। तो ये सिनेरियो जो बना है मेरा बार बार इधर इधर ध्यान जाना, तो कुछ होगा। अब आप लोग इसको किस तरीके से लेते हैं आप जाने, ये आप लोग फ्री हैं, हर कोई फ्री होता है अपने ओपिनियन के लिए। लेकिन मुझे जो इंट्यूशन आया वो यही आया कि आपकी विश का इंस्पेक्शन किया गया है, आपकी विश लीगल है तो ज़रूर पूरी की जाएगी। लेकिन देखिए लीगल विश क्या होती है कि हम किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ, ऐसी विश ना करें जिससे किसी का नुकसान हो। लेकिन हाँ, अगर कोई ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है, कोई डायनेमिक एनर्जी में है, कोई आपको डिस्ट्रॉय किए जा रहा है, तो फिर उसके संहार के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। संहार का मीनिंग है उसकी एनर्जी को कि हे ईश्वर इसकी एनर्जी से मुझे बचाइए, इसको इसका इस इसका जो भी रिजल्ट हो वो आप इसे अंजाम तक पहुँचाइए, ये आप प्रे कर सकते हो। तो आप कैसा भी हो, जो भी आविश कर रहे हो वो आपकी पूरी की जाएंगी। यूनिवर्स ने कह दिया, यूनियन मैंने बता दिए कि मुझे बहुत यूनियन यहाँ दिख रहे हैं। और थोड़ा सा ये भी है कि आप काफ़ी स्टेबल हो, और नहीं हो तो आपको स्टेबल किया जाएगा। यानी आप इमोशंस के दायरे में अब ज़्यादा नहीं रहने वाले, यानी आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होने वाले, धीरे धीरे करके आपके इमोशंस में बैलेंस लाया जाएगा, आप बैलेंस होते चले जाओगे। फिर आप कोई हैप्पीनेस की चीज़ें होती होंगी वो आपको ओवर एक्साइटेड नहीं कर पाएंगी, और कोई अगर कोई थोड़ी सी डिस्टर्बिंग सिनेरियो आ भी जाता है, कुछ किसी ने कुछ कह भी दिया अगर, जो आपको हार्श वर्ड भी बोल दिए, तो आपको फिर उसमें भी ऐसा एहसास हो जाएगा कि अरे कोई बात नहीं है, तो डिवाइन का प्लान है, डिवाइन की मर्जी है, उन्हें जो जब जिस रूप में बैठ के जो करना होता है वो करते हैं, मेरा क्या। जो तारीफ़ें होती हैं वो ईश्वर की होती हैं। अगर मेरी किसी ने तारीफ़ कर दी, इस बॉडी को किसी ने तारीफ़ कर दी, तो ये बॉडी ईश्वर की है, तारीफ़ हुई उसकी हुई, तो जब तारीफ़ उसकी हुई तो फिर क्रिटिसाइज़ मेरी कैसे हो गई, वो भी उसी की हुई। तो इस एनर्जी में मुझे आते हुए देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी बैलेंस्ड मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। अब इस टाइम पे मूवमेंट रुका हुआ है ड्रॉप्स का, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपके इमोशंस में बैलेंस लाया जा रहा है, आप बैलेंस बहुत जल्दी हो जाओगे, बहुत जल्दी। और कुछ यूनियन ऐसे हैं जो सिर्फ हारमोनियस यूनियन नहीं होंगे, जिनकी मैरिज भी होगी, मैरिज भी होते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि ज़बरदस्त यूनियन है, ज़बरदस्त यूनियन, और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई अगर रोकने की कोशिश करेगा ना, तो फिर सेल्फ गोल करेगा, वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा, जो आपके यूनियन को रोकने की कोशिश करेगा। तो और ये ध्यान रखिएगा व्यूअर्स प्लीज़, कि ये जनरल रीडिंग है, तो सबसे सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिसके लिए होगा उस तक ये वीडियो पहुंचेगा ज़रूर, जिसके लिए इसमें मैसेज होंगे वो उस तक ये वीडियोस पहुंचेंगे। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उनको आप लीजिएगा, और ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग को अपने पे अप्लाई करने की कोशिश नहीं करना, अपनी एनर्जी को कहीं और
एंगेज नहीं करना, यानी जो जो आपसे रेजोनेट कर रही उसी को रखिएगा, अदरवाइज लेट गो कीजिएगा। आप इस फ्लेम को देख के मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत बेटर एनर्जी में आ गए हो, और नहीं आए हो तो बहुत जल्दी आने वाले हो, और जिस एनर्जी में आप रहोगे उसी एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे, क्योंकि वो आपको फॉलो करेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो वो श्योर आपको फॉलो करते ही हैं, डिवाइन मैस्कुलिन फॉलो करते ही हैं। एक मुझे आइसक्रीम का बोल दिखा था यहाँ पे, तो अगर आप में से किसी का आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है तो बिल्कुल खाइए आइसक्रीम। हमारा कि सीज़न थोड़ा सा कोल्ड सीज़न आ गया है, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है तो फिर मन को मत मारिए, मन कर रहा है तो आइसक्रीम लेके आप खा सकते हो, लेकिन प्रिकॉशन लेके। प्रिकॉशन का मीनिंग आपको ये ध्यान रखना है कि फिर कोल्ड ना हो जाए, लेकिन मन को इतना मत तरसाइए आप। ये बैन मत लगाइए अपने आप पर, फ्री होने की ज़िंदगी है ये, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी फ्री होने की है। जब अगर मन किया है, अगर डिवाइन कह रहे हैं, हो सकता है आपकी बॉडी को नीड हो, आपकी सोल की नीड हो, और ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ को खाने की क्रेविंग होती है तो उसको चीज़ को खा लो तो उस एनर्जी से निकल जाते हैं, उस क्रेविंग वाली एनर्जी से निकल जाते हैं। तो अगर आपका किसी का आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है तो बिल्कुल आप खा लीजिएगा आइसक्रीम, आप उस क्रेविंग की एनर्जी से निकल जाओगे। और हालांकि आइसक्रीम मुझे भी बहुत पसंद है, और मैक्सिमम लोगों को पसंद ही होती है आइसक्रीम, पसंद ही होती है ज़्यादातर लोगों को। तो आपका मन कर रहा है तो आप ज़रूर खा लीजिए। और मैं यहाँ देख रही हूँ मुझे और कोई ऐसे ड्रॉप्स फील नहीं हो रहे हैं जिनसे मुझे कोई खास आपके लिए मैसेज मिला हो, लेकिन यहाँ पे हाँ बैलेंस दिखा है जो मैं आपको बोल चुकी हूँ, और मुझे कुछ क्लाउड जैसा सीन भी दिखा है और रंगोली टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है, और सनफ्लावर भी मुझे फील हो रहा है। तो सनफ्लावर का मीनिंग है कि आप ना अपनी सोल की ओर देख रहे हो, सनफ्लावर की तरह सन की तरह से मूव करता जाता है, और सन सोल को रिप्रेजेंट करता है, न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ सनफ्लावर का की जैसी पिक्चर मुझे शो होना, तो इसका मीनिंग है कि आप अपने सोल की सुन रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, जो आपका इंट्यूशन कहता है आप वो कर रहे हो, बाकी दुनिया क्या कर रही है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आप बिल्कुल सही एनर्जी में हो। क्लाउड की जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, तो हो सकता है कि आपके यहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो तो आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा कोल्ड वेदर हो जाए, और क्लाउड मुझे एंजल्स की एनर्जी भी पिक हो रही है कि क्लाउड सफ़ेद बादलों में से देवदूत निकल के आते हैं, तो कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स और कुछ एंजल्स की ब्लेसिंग्स मुझे फील हो रही है। हो सकता है आपको ड्रीम में या किसी तरीके से आपको एंजल्स की एनर्जी पिक हो कि एंजल्स ने आपको टच किया। अगर आप बहुत अच्छे से डिवोशन की राह पे चल रहे हैं तो आपको कुछ इस ऐसे टच भी फील हो सकते हैं। अगर एयर चली है तो एयर से आपको फील हुआ कि अरे ये तो बड़ा अजीब सा टच था, बड़ा अद्भुत सा टच था, यानी किसी टच से, बिना किसी ने टच नहीं किया आपके आसपास कोई नहीं, फिर भी आपको ऐसा फील हो जैसे एक सिहरन सी दौड़ गई है बॉडी में। तो वो जो टच होगा, वो जो नेचर का जो टच होगा, वो एंजल्स का टच होगा, और वो नेचर का टच का मीनिंग है ये प्रकृति आपसे प्यार कर रही है, तो इसीलिए ये क्लाउड आए हैं आप पे बारिश करने, प्यार की बारिश करने। ये जो क्लाउड है इसमें कोई भी नेगेटिव साइन, कोई ब्लैक साइन नहीं, कोई ब्लैक डॉट नहीं है, इसलिए मैं इस क्लाउड को यही कहूँगी कि ये क्लाउड जो व्हाइट वाले आपने क्लाउड देखे हैं, कहते हैं व्हाइट वाले क्लाउड तो बरसते हैं नहीं है, ब्लैक क्लाउड होते हैं वही बरसते हैं, तो व्हाइट वाले क्लाउड बरसते जरूर नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल कॉटन जैसे एकदम साफ सुथरा दिखते हैं, और उनसे अगर सन की रोशनी, अगर उनसे सन रेज जब उधर से निकलती हैं तो कितनी शाइन करती हैं। तो वो एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि आपकी सोल ऐसी लाइट हो रही है, क्योंकि आप इंट्यूशन को सुन रहे हो, क्योंकि अपने अंदर आप ईश्वर को फील कर रहे हो, आप अपने अंदर ही आप मान रहे हो कि मेरा ईश्वर मेरे भीतर है, बाहर भी है, लेकिन अब मैसेज आप अंदर से ले रहे हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, तो वो आप बहुत सही कर रहे हो। और मेरी शुभकामना है कि ईश्वर आप सबकी सब सदिच्छाएँ पूरी करें, आप सबका यूनियन कराएं, और आप सभी को भक्ति शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, गॉड ब्लेस यू, एंड जय श्री कृष्णा।